हेलो कृपा करें आप हमें
अज्ञान अंधकार से निकाल कर परमात्मा से स्वरूप ज्ञान कराने की कृपा करें। आप हमें जन्म मृत्यु के चक्र से हटाकर इसी में विद्यमान सच्चिदानंद परमात्मा का नए रूप से आत्म रूप से सोहम रूप से ज्ञान कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने मंगल नेत्रों को खोले। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी दिव्य पुण्य जीवात्माओं को नमस्कार। गांव में कुएं के ऊपर पानी लेने जाने वाले लोग लकड़ी का मोटा पाट होता है उस पे से खींचते हैं रस्सी पानी वाली बाल्टी भरी हुई। बार 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 उसमें घाव हो जाते हैं, लकड़ी में गड्ढा बन जाता है, पत्थर हो या लकड़ी हो। तो इसी तरह अभ्यास करने से करत करत अभ्यास के जड़मती कौन है जिसको कि अपना भी पता नहीं और परमात्मा का भी पता नहीं। आत्ममती कौन है जो अपने को भी जाने और सबको भी। तो दो मती, एक जड़मती और एक आत्ममती। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती सुजान पंडित बन जाते हैं, ठीक जानने वाले बन जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? रसवी आवत जात रहे सिल पर होत निशान। रस्सी के बार बार आते जाते पत्थर पर निशान बन जाते हैं। इसी तरह बार बार कस्त्वम बार बार के अभ्यास करने से तुम्हारे मन से मैं दृश्य हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं जन्म मरण वाला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष की भाव निकल जाएगा, कट जाएगा, सत्य बन जाएगा। बार बार रस्सी पत्थर को चलते चलते पत्थर को काट देती है तो तुम तो चेतन पुरुष हो। बार बार ये वृत्ति जाएगी, कौन सी? कस्त्व तो तुम्हारे मन से देह भाव कट जाएगा, जाति भाव कट जाएगा, आश्रम भाव कट जाएगा, कर्ता भाव कट जाएगा इत्यादि, अनात्म सब चूर जाएगा। तो इसलिए अभ्यास उठते बैठते जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मेरे साथ चलते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही सुनते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही बोलते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही खाते हैं। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही चलते हैं। जब मैं काम करती हूँ
मैं तो केवल दृष्ट साक्षी आत्मा बना रहता, मैं कोई गर्व करता नहीं, ना मेरा नाम, ना मेरा रूप, ना मेरी कोई जाति, ना मेरा कोई आश्रम, ना मेरा कोई प्रकार का परिणाम, ना मेरा कोई जन्म मरण, मैं तो सबसे अलग, सबके ऊपर, जैसे संसार से ऊपर सूर्य, सूर्य संसार से ऊपर सबको प्रकाश करता है या सबका जैसे दृष्टा है, ऐसे में पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण, चौदह त्रिपुटी, तीन अवस्था, पंच कोशों से न्यारा केवल दृष्टा साक्षी आत्मा है। भाव तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, बार 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 अभ्यास करते करते पंडित बन जाता है। इसलिए आप संकोच ना करें, भूलने लगे भूलने लगे, गलती होते होते ठीक हो जाए, संकोच क्या है, कोई सजा तो है नहीं, कोई नुकसान तो होना नहीं, अपनी वाणी शुद्ध हो जाएगी। तो सत्य के बोलने में संकोच कृपणता नहीं करना चाहिए। अगर सत्य के बोलने में कृपणता की, इस देव दुर्लभ दिव्य वाणी का उपयोग नहीं किया, तो अगला जन्म गूंगा, गूंगा समझते हैं, जो जीव तो है नहीं कर पाता, तो क्या आप इसी तरह होना चाहेंगे? नहीं, आपके आगे जगह खाली क्यों है, आगे हो जाओ, पूरा एक सीट मिल जाओ, आगे पीछे मत देखो, ठीक है, बराबर बराबर लाइन से बैठो, बाप भाई अटेंडेंस ले लो, सबके नाम लिखो, फिर